नमस्कार दोस्तों, मैं बाइक मैकेनिक सत्यदेव निषाद अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बताएंगे हीरो होंडा बाइक का आयल पंप गरारी को कैसे फिट किया जाता है खोलकर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास ये आयल पंप गरारी है, न्यू है। ये हमारा ख़राब हो चुका था, इसके दांते पर कुछ निशान आ गए थे और ये ख़राब हो चुका था। दिखाए गए तरीके से आप इसे खोल लें दोस्तों। ये कौवा प्लास है, आप इसे पकड़ें और इसमें पेचकश की सहायता से इसके दांतों में लगाएं दिखाए गए तरीके से। दोस्तों हमारा ओल्ड वाला आयल पंप गरारी है जिसको खोला जा रहा है, इसके दांतों में पेचकश से पकड़ लेंगे और उस राइट साइड से दोस्तों देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से आप इसे खोल लें। कौवा प्लास की सहायता से उसे पकड़ें और इसे खोल लें। दोस्तों ये खुल चुका है, देख सकते हैं ये हमारा नई वाला है आयल पंप गरारी। दोस्तों इसके लिखा हुआ पोर्शन ऊपर रखेंगे। दोस्तों हमारा देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से आप इसे फिट करें। ये हमारा रॉड है, उस प्रकार राइट साइड से डालेंगे रॉड को और इस साइड से देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से आप इसे टाइट करेंगे। लिखा हुआ पोर्शन ऊपर रखेंगे और जो बराबर वाला पोर्शन जो नहीं लिखा हुआ है वो अंदर रखेंगे। ये देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से इस पाइप ये गरारी को फिट करें और इसे टाइट करें। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से इसके रॉड को पकड़ा गया है और ये दिखाए गए तरीके से टाइट किया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से टाइट किया जा रहा है। पहले हाथों से हल्की टाइट कर लें। हाथों से टाइट करने के बाद दोस्तों इसमें पतला जो एक पेचकस होती है फोल्डिंग, आप उसे लगाएं और इस साइड से देख सकते हैं किस तरह से पकड़ा जा रहा है। कौवा प्लास है, जो हमारा पाइप है उसमें कट बना है, उसको अच्छे से पकड़ लें। पकड़ने के बाद देख सकते हैं ये इसमें फोल्डिंग लगा लें, इसके दांतों में फोल्डिंग लगाने में दोस्तों हमारा जो रॉड है उसे आगे की तरफ पुश करें जैसे टाइट किया जाता है। देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से आप इसे टाइट कर लें। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से टाइट किया जा रहा है। तो ये टाइट हो चुका फुल्ली, देख सकते हैं हमारा चैम्बर में हमारा ये हमारा लेफ्ट साइड का चैम्बर है, जो मेन चैम्बर है हमारा लेफ्ट साइड का, जिसमें इसको इस पॉकेट फिट होती है उसी साइड का, इसमें हमारा आयल पंप गरारी फिट हो चुका है। देख सकते हैं इसका लिखा हुआ पोर्शन को ऊपर रखेंगे और जो सिंपल है बराबर है उसे नीचे रखेंगे। ये देख सकते हैं लिखा हुआ पोर्शन है, तो इसको ऊपर रखें। देखिए हीरो जोनी पार्ट है, जो हीरो लिखा है इसको ऊपर रखेंगे और जो नहीं लिखा हुआ है बराबर है वो अंदर की तरफ रखेंगे। और इसमें कॉलर भी दिया रहता है, जो कॉलर को ध्यान रखते हुए आप लगाएंगे तो देख सकते हैं इसी तरह से हमारा आयल पंप गरारी फिट होती है। इसी को आप कौवा प्लास की सहायता से पकड़ के इसे टाइट कर दें और अच्छे से फुल टाइट कर दें। दोस्तों खुलने का कोई चांस तो रहता नहीं, क्योंकि हमारा ये उस साइड से नाचती है जिस साइड से टाइट होती है। तो दोस्तों फुल टाइट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।